अच्छे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। तो अखिलेश यादव आज दिल्ली जाएंगे और रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, तभी उन्होंने बात कही कि संविधान मजबूत करने का ये जो संघर्ष है ये जारी रहेगा। और फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं कि किसी भी उम्मीदवार के जीत के बाद जो सर्टिफिकेट उसे सौंपा जाता है प्रशासन की ओर से, उसको लेते हुए यहां पर अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। ये जीत का प्रमाण पत्र है और कन्नौज से चुनाव जीते हैं। यादव परिवार के 5 सदस्य चुनाव लड़े और पांचों ही अब संसद पहुंचेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव अपना विनिंग सर्टिफिकेट जो कि प्रशासन की तरफ से उम्मीदवार को दिया जाता है उसको लेते हुए नजर आ रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। नेहा यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत स्वागत है नेहा जी आपका शो पर। दिनेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका शो पर। थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं शुभकामनाओं के साथ। नेहा यादव जी, आपकी पार्टी और गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन यूपी के अंदर किया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक जिम्मेदारी, एक दिशा की जिम्मेदारी भी सौंपी है। एक तरफ मंथन चल रहा है कि कहां चूक हुई, उलटफेर कैसा हुआ, लेकिन अब आप लोगों के सामने भी एक बड़ा मंथन इस बात को लेकर कि अब केंद्र में सरकार की बारी है और उसकी चर्चा और खेमेबंदी विपक्षी गठबंधन के अंदर भी चल रही है। देखिए आस्था जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, अपने नेतृत्व की तरफ से और अपने हर एक कार्यकर्ता की तरफ से। जिस तरह से जनता ने आज संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, और पीडीए ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को अपना जन समर्थन दिया है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि जनता अपने मुद्दों पे संघर्ष करना चाहती है, जनता अपने हक अधिकार चाहती है। जनता ने आज नौकरी और रोजगार को वोट किया, जनता ने महंगाई के खिलाफ वोट किया, जनता ने किसानों के, जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ उस पर वोट किया, और एमएसपी के लिए वोट किया, अपनी जो हक अधिकार है उनके लिए वोट किया, और जनता ने नफरत करने वालों को नकार दिया, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में नफरत रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों के द्वारा समय समय पर नफरत की राजनीति की गई उसको जनता ने नकार दिया। मैं जनता का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनमत दिया है वो पूरे देश के लिए एक आईने की तरह है कि नफरत को इस प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। और अयोध्या से, जो अयोध्या से परिणाम आए हैं उससे ये भी साफ हो गया कि भगवान राम के नाम पे राजनीति करने वालों को भी पटखनी मिली है, इसलिए क्योंकि भगवान राम सबके हैं, हमारे आपके सबके हैं, भगवान राम को राजनीति में ना घसीटा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को भी राजनीति में लेकर बिल्कुल मैं इसी बिंदु पे आ रही थी नेहा जी, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। उम्मीद हम कर रहे हैं कि जल्दी बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, क्योंकि इसी बिंदु पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राम मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, और जिस राम लहर की बात हो रही थी, विपक्षी गठबंधन कह रहा था कि राम आस्था का विषय है, उसे राजनीति में ना लाया जाए। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि पूर्व में राम मंदिर या राम भक्तों पर जो गोलियां चली वो लोग आज राम का नाम क्यों ले रहे हैं। तो फैजाबाद की सीट भाजपा हार जाती है, दो बार के सिटिंग एमपी लल्लू सिंह वहां से हार जाते हैं और अवधेश प्रसाद एक अच्छे खासे मार्जिन से जीतते हैं। तो नेहा जी, ये भी बड़ा एक स्ट्रैटेजिक फैसला रहा होगा, क्योंकि वो सामान्य वर्ग की सीट है, वहां से आपने उनको टिकट दिया अवधेश प्रसाद को, जो कि दलित वर्ग से आते हैं, उन पर भरोसा जताया। तो क्या रणनीति आप लोगों की रही, क्योंकि आप लोगों को भी अपने दावे को पुख्ता करने के लिए इस सीट पर एक मैसेज देना जरूरी था, और आपको लगता है कि आप कामयाब हुए? देखिए आदरणीय अखिलेश जी ने शुरू से पीडीए का आह्वान किया था, पीडीए का नारा दिया था, और उसे धरातल पे पीडीए की जो जनता है उसने हाथों हाथ लिया, अपने सिर आंखों पे सजाया। उसी पीडीए के अंतर्गत आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को छोटी मोटी हस्ती नहीं, अवधेश जी 9 बार के विधायक रहे हैं, और अवधेश जी पीडीए के सशक्त आवाज हैं, लगातार वो जन आंदोलन करते रहे हैं, उनका बहुत लंबा राजनीतिक संघर्ष रहा है, आज उन्हें जनमानस ने सम्मान देने का काम किया है क्योंकि वो पीडीए वर्ग से आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की भाषा, जो उनके प्रति आपने कई सोशल मीडिया साइट पे देखा होगा जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणियां उनपे की जा रही, वो बड़ी ही बहुत निराशाजनक है। न जाने ऐसे कौन से लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो गाली दे रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी सांत्वना के लिए कि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां ना करें, नहीं तो अभी तो अयोध्या
अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, बाकी जगहों पे भी पीडीए की जो जनता है, जिससे आपने बात कही थी आरक्षण छीन लेंगे, संविधान खत्म कर देंगे, उस जनता ने आपको माकूफ जवाब दिया है। और वही जनता जो मथुरा और काशी में है, वो भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं चुनाव हार जाते, अगर हमारे वोट वहां पे काटे नहीं गए होते, बनारस में हमारे वोट बड़ी संख्या में काटे गए, और जीत का मार्जिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है मोदी जी का, 10 लाख पार का चिल्लाहट चिल्लाहट कर रहे थे, लेकिन 10 लाख छोड़िए 1 लाख के लाले पड़ गए थे जीतने के लिए। अजय राय जी ने उन्हें इतनी टफ कंपटीशन दी, और स्मृति ईरानी जी तो आपकी अमेठी से बुरी तरह हार गई, एक आम कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी जी को भी अपने हार का सामना देखना पड़ा है। क्यों? क्योंकि घमंडी लोगों को और जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जिनमें गुरूर आ गया है, उनकी सत्ता को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। ठीक है नेहा जी, और इस बीच हमें सुधा शर्मा जी भी ज्वाइन कर चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा शर्मा जी, एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर है, एनडीए भी अपने गठबंधन दलों के साथ बैठक कर रहा है और आप लोग भी अपने गठबंधन दलों के साथ बैठक कर रहे हैं, और खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, इस्तीफा सौंप सकते हैं और 8 जून को वो शपथ ले सकते हैं बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार। हेलो जी सुधा जी, आप मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल जी आस्था जी, मेरा नाम डॉक्टर सुधा मिश्रा है, आप लोग नामों के साथ मैं करेक्ट करने वाली से मैं करेक्ट करवा देती हूं। ठीक है, जहां तक आपने कहा कि जाहिर सी बात है भाजपा को जनादेश नहीं मिला है और यही सत्य है, अब कौन किसके साथ है ये जरूर तय हो जाएगा और किसकी सरकार बन रही है ये भी तय हो जाएगा। लेकिन एक बात तो है, जिस अयोध्या में जय श्री राम के नारे के साथ ये लोग शुरुआत करते थे, कल प्रधानमंत्री जी ने नाम तक नहीं लिया, न बनारस का नाम लिया उन्होंने, न तो फिर अयोध्या का नाम लिया, जय जगन्नाथ करने लगे। तो जो व्यक्ति अपने धर्म के आस्था को भी रोज बदल दे, उसकी आस्था ही बदलती रहे, ऐसे व्यक्ति को जनता जिस दिन समझ जाएगी वो इसी तरह से। जहां तक 400 पार, तो हमें लग रहा शायद 400 पार वो महंगाई में कर रहे थे, हर चीज के दाम बढ़ाने में कर रहे थे, जिन्होंने दूध में और टोल टैक्स में बढ़ के दिखा दिया कि दाम बढ़ेंगे और आप लोगों को जितना सता सकते हो सताएंगे। जहां तक सरकार बनने की बात है, जितनी उम्मीद से मोदी जी होंगे कि वो लोगों के साथ मिलकर अपना सरकार बना लेंगे, उससे कहीं ज्यादा हम सत्य के आधार पर इस बात में उम्मीद पे हैं कि हम अपने सरकार को बनाएंगे, क्योंकि जिस हवा में पिछले 3 दिनों से जो हवाई पुल बांधे गए थे, जो एग्जिट पोल दिखा रहा था, और जहां पे ये सिर्फ गिराने की बात थी, शेयर मार्केट में पैसे उठाने की बात थी और अपने बंधुओं को कहीं ना कहीं आगे करने की बात थी, वो तो फेल होता हुआ दिख गया। और सबसे जरूरी बात आप देखिए, जो एक हमारी मंत्री साहिबा थी जो मात्र राहुल जी के नाम पे राजनीति करती थी, एक छोटे से कार्यकर्ता से हार गई। अयोध्या में आपने कहा अवधेश जी देते हैं, इस बार की जनता ने अवधेश को अर्थात राम, जो राम की आस्था को मानने वाले लोग, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि जब जिस अयोध्या में आप झूठ बोल बोल के पर्दा लगा लगा के जो रैलियां कर रहे थे, जनता उसी के बीच में रहती है, जनता जानती है कि घरों के अंदर से जो आपने मंदिरों को हटाया, घरों को तोड़ा, आज तक उनके पास रहने की जगह नहीं है, आप मात्र तराई में माझे में घर दे रहे हैं और जहां पे बाढ़ से घर भर जाते हैं, और आप सोचते हैं कि जनता उसके बाद भी। और सोशल मीडिया पे तो मुझे इस बात की शर्म है, खुद अयोध्या की वासी हूं, और जिस तरह से लोग पोस्ट डाल रहे हैं अयोध्या के बारे में, ये शर्मिंदगी है, क्योंकि जनादेश का इस तरह से अवहेलना करना, बिल्कुल जनता का जनादेश है। और देखिए श्री राम तो आराध्य हैं, वो सबके अध्यात्म का विषय है, वो सबके लिए आस्था का विषय है, बिल्कुल, लेकिन ये जनता ने भी स्पष्ट कर दिया कि राम को राजनीति में नहीं लाना है, उसने जो अपना ओपिनियन बनाया या उसने जो अपना मूड बनाया, वो श्री राम को आराधना के तौर पर अगर करते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, तो वोट करने से पहले उन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दों को खंगाला है, और उसमें क्या बीजेपी से चूक हो गई। आलोक वर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए आलोक जी। देखिए गजब बात है कि मैं सुन रहा था कांग्रेस के बारे में प्रवक्ता को, गजब बात है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, लेकिन कुछ ऐसे हो रही है जैसे कि उन्होंने पूरा चुनाव जीत लिया। मोदी 3 की सरकार बनने जा रही है, और मुझे लगता है कि 9 तारीख से पहले सरकार बन जाएगी, मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी जो पूरी सीट है, भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है, इंडी गठबंधन की जितनी सीट आई उससे भी ज्यादा केवल हमारी सीट, हम साफ साफ बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इसमें
वो ठीक है आलोक जी, आप केंद्र स्तर पर यह दावा कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी पार्टी को जनता ने सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को बनाया है, और एनडीए के पास अगर पूरे अलायंस को मिला दिया जाए तो उसके पास बहुमत का आंकड़ा भी है। लेकिन हम यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी के लिए तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनाने की कुव्वत रखता है, और केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर जाता है क्योंकि यहां 80 सीटें हैं, उस पर बीजेपी के लिए इतना फेरबदल कि आप आधी सीटें भी नहीं क्रॉस कर पाए, ये एक बड़े मंथन का विषय है और चिंतन का भी विषय है। एक शेर है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं इतबार न करता तो और क्या करता। उन्होंने जितने जिस सलीके से गफलत में डालने की कोशिश की, हमने कहा 400 पार, उन्होंने कहा संविधान बदल देंगे, उन्होंने कहा आरक्षण बदल देंगे, और ये संदेश को गांव-गांव में पहुंचाने में कामयाब रहे। हमें लगा कि शायद जो झूठ बोल रहे हैं वो पब्लिक उसको समझ लेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है चुनावी राजनीति में, कभी कभी झूठ चल जाता है। इस बार इंडी गठबंधन का झूठ चल गया, हम थोड़ा सा कुछ परसेंट नीचे आ गए, लेकिन फिर भी पीसीआर सबकी ऑडियो ऑन रखी है, नेहा यादव कुछ कह रही है, इतना कहीं कोई शक नहीं कि एक बार फिर से हम पूरी कोशिश करेंगे और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वही पुराना गौरव हासिल करेगी। कुछ सीटें हमारी कम हुई हैं, कुछ परसेंटेज वोट हमारे घटे हैं, लेकिन एक बार फिर से वो समय आए, हम एक बार फिर शानदार फतेह हासिल करें। चलिए अभी मंथन का दौर है, समय आएगा तो हम एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नेहा जी इस पर काउंटर करना चाहती है, लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट दिनेश शर्मा जी से लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। दिनेश जी, यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। एक तो ये कि जिस हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे वो सबको एक साथ लाना चाहती थी, लेकिन आरक्षण का मुद्दा और पीडीए यानी ओबीसी दलित अल्पसंख्यक अगड़ा और आधी आबादी जिसको लेकर के विपक्ष चला और कहता रहा, वो जन जन तक बात शायद पहुंच गई और जनता ने अपना मूड जो है वो कुछ और मुद्दों पर बना लिया, ये बड़ा फैक्टर साबित हुए, एक आरक्षण वाली बात, एक संविधान वाली बात, ये और किस तरह से आप इसका आकलन करेंगे? जी देखिए, इस चुनाव को मैं 3 दिन से लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं जी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत हिम्मत के साथ चुनाव लड़े, और जो रिजल्ट आप देख रहे हैं वो रिजल्ट भी अप्रत्याशित है। क्यों है हमें बताइएगा, अगर 2.5% वोट या कहिए केवल 2% वोट बसपा भारतीय जनता पार्टी का वोट, भारतीय जनता पार्टी का वोट अगर बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं निकलता और पोलिंग पर वोट करने के लिए जाता, आग का शिकार नहीं होता, यानी कि जो गर्मी थी, तब पता चलता कि दो मित्रों की जोड़ी कहां है और क्या कर रही है। दिनेश जी देखिए, गर्मी तो सबके लिए थी, 25 गर्मी और चुनाव आयोग ने भी बाद में इस बात को कहा है कि बहुत गर्मी थी, इस बात को अंडरलाइन किया है, लेकिन गर्मी तो सभी के लिए थी, वो विपक्षी वोटर के लिए भी थी, वो भाजपा के वोटर के लिए भी थी, वो मेरे लिए भी थी, वो आपके लिए भी थी, सबके लिए गर्मी थी। लेकिन मताधिकार इसीलिए दिया जाता है ना कि आप फैसला सुनाइए, पूरी बात सुने ना आप। हाँ एक सेकंड, बात तो सुने जो मैं कहने जा रहा हूँ। हाँ, ये जो पोल था ये अगर चला जाता, बीजेपी पड़ जाता, 2.5% बढ़ जाता तो ये कहा जाता। एक बात और ये बताइए, जब पीडीए इतना ही मजबूत है हाँ। तो उसका असर और राज्य में कहीं क्यों नहीं दिखाई दिया? मुझे बताइए, मतलब आप कह रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा, दिल्ली, बिल्कुल ये भी चर्चा की बात है कि आरक्षण का मुद्दा है तो इसका बिहार पर क्यों नहीं असर हुआ? नहीं, यूपी में क्यों हुआ? अगर ये मुद्दा चला तो आप ये कहना, आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा काम नहीं आया, काम नहीं आया है मुद्दा, ये आप कहें तो मैं आपकी बात से अलग नहीं हूंगा हाँ। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रही हैं, समझे, अभी उत्तर प्रदेश और अयोध्या की बात उन्होंने की, धर्म की बात आपने की। देखिए, राजनीति को कभी भी धर्म से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पंजाब के अंदर अकाली राजनीति धर्म के ऊपर चलती है, और भी कई राज्यों के अंदर और भी कई देशों में दूर देशों की सरकार, इसीलिए कल मंगल का दिन था और भगवान हनुमान जी का गदा ऐसा चला कि अच्छे लोग भगवान राम के नाम पे राजनीति करने वाले हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हवा में उड़े हैं, प्रभावित हुआ 25 विधानसभा क्षेत्र से हैं,
हो गया। जहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अरे भगवान पे भरोसा रखिए। मैंने कहा ना अगर 2% वोट बढ़ जाता है भरोसा रखना चाहिए, पता नहीं चलता कि दो भी ऊपर वाले ने न्याय किया, उस न्याय को आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा जीता जो जीता वो सिकंदर है, लेकिन लेकिन मोदी के और योगी के फॉर्मूले के उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। इसके दिनेश जी एक सेकंड, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका आकलन है, लेकिन क्या है कि जो प्रत्यक्ष आंकड़े आंखों के सामने हैं उन पर आंखें बंद नहीं की जा सकती, उन पर चर्चा करनी होगी। अब अयोध्या की बात निकली है तो चर्चा में मैं लाना चाहूंगी कि जिस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस वक्त अयोध्या से ही इस बात को लेकर चर्चा थी, या यूं कह लीजिए एक नाराजगी थी यहां के व्यापारी वर्ग की, और आज फिर से उसी की चर्चा हो रही है कि क्या व्यापारी वर्ग से भी बीजेपी को नाराजगी झेलनी पड़ी सड़कों के चौड़ीकरण के लिए, वहां पर सौंदर्यीकरण के लिए जो बहुत सारी दुकानों को या मकानों को अधिग्रहित किया गया, वहां पर मुआवजे का एक बड़ा गुस्सा जो था जो अंदर ही अंदर पनप रहा था, बहुत से लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिला, या जिनको दोबारा दुकान आवंटित करने की बात कही गई थी उनको दुकानें नहीं मिली या बाद में उल्टा उन्हीं से पैसा मांग लिया गया, तो वहां का एक बड़ा व्यापारी वर्ग भी आपसे नाराज रहा आलोक जी, और क्या इस गुस्से को आप लोग सही समय पर पढ़ नहीं पाए? आलोक वर्मा जी, क्या इसको भी आप एक फैक्टर के तौर पर देखते हैं? देखिए बनारस में अगर विकास हुआ या अयोध्या में विकास हुआ तो निश्चित रूप से नहीं, जो अयोध्या का व्यापारी था या वहां जिसका मकान या दुकान अधिग्रहण हुआ उसका ये कहना था कि काशी की तर्ज पर मुआवजा नहीं दिया गया, या जिसकी दुकान गई उसको दुकान देने के लिए एफिडेविट भरवाया गया या फॉर्म भरवाया गया और बाद में उसी से कहा गया कि आप 20-30 लाख लाइए तब आपको देंगे वो भी 10 साल के लिए। बहुत सारी बातें हैं, मुदाने की कोशिश करने बात अलग की है, लेकिन मुझे लगता है कि अयोध्या में जितना विकास हुआ उससे लोगों को रोजगार भी मिला, काम भी मिला, वहाँ की तरक्की भी आई, वहाँ पे देशी विदेशी पर्यटक भी आए, गुजरातियों को रोजगार मिला है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने गुजरातियों को नकार दिया। अगर आप बीच में टोकेंगे तो बार बार प्रयागराज से लेके बनारस से लेके अयोध्या तक एक सेकंड नेहा जी, इनको बात पूरी करने दीजिए, मैं काउंटर के लिए आपको अलग से समय दे दूंगी। बोलिए आलोक जी, अयोध्या में क्या हुआ सबको मालूम है, बताइए ना क्या हुआ। अयोध्या में ये हुआ कि जो प्रत्याशी वहां पे खड़ा किया गया वो दलित प्रत्याशी, बोले दीजिए उनको बात रखने दीजिए, उसके बाद में आपको अलग से समय दूंगी। गाँव में जाके कहा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी वो तो आपका सभी आपको आपका आपका संविधान बदल देगी, आपका मतलब संविधान और आरक्षण आप इसको बड़ी वजह मान रहे हैं कि इस पर भ्रम फैलाया गया विपक्षी गठबंधन द्वारा। एक बड़े वोट बैंक को गफलत में डालने की कोशिश की, वो गफलत में आ गई है, मुझे लगता है झूठ की राजनीति गफलत में, मतलब क्या उत्तर प्रदेश की जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं, जनादेश को आप मूर्ख समझ रहे हैं, जनता 27 में राह बचा जवाब देगी, और जो 15-20 सीटें उत्तर प्रदेश में आई है इसमें भी लात मार के बाहर निकालेगी, अब सब्र करिए। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ के भरोसे सही कह रहे हैं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, आपके झूठ छल कपट को जनता पहचान गई, इसीलिए आपको दखल कर दिया। अब आपकी स्थिति ये है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, हम मैं हंस रही हूँ बोलते रहिए। देखिए एक वक्त में आप सभी लोग एक दूसरे को काउंटर करेंगे तो किसी की भी आवाज या ऑडियो क्लियर नहीं जाएगी कि आप क्या कह रहे हैं। आलोक वर्मा जी आप 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पैनलिस्ट को मौका देती हूँ अनइंटरप्टेड, फिर वो अपनी बात रखेंगे। आलोक वर्मा जी, आस्था जी आपने अयोध्या का मसला उठाया, अयोध्या में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का टिकटीकरण कहीं ज्यादा बेहतर इस मामले में था कि हमने जो प्रत्याशी खड़ा किया उसके एंटी जो प्रत्याशी उन्होंने खड़ा किया वो आरक्षित सीट नहीं थी, उसके बाद भी दलित प्रत्याशी उन्होंने वहां खड़ा किया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन्हें एक गफलत में डालने का एक मौका मिल गया। राहुल गांधी जो लेकर के घूम रहे थे ना किताब के, आपके संविधान बदल देंगे, 400 पार की जो ये बात कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि संविधान खत्म हो जाए, ताकि आपका आरक्षण खत्म हो जाए, ये इत्तेफाकन नीचे तक अपनी बात, अपनी गफलत की जो कहानी है, अपनी जो झूठ है उसे नीचे तक पहुंचाने में कामयाब रहे, कुछ इलेक्शन जीत गए, एक तो इलेक्शन जीत गए। ठीक है आलोक वर्मा जी, उड़ीसा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, वहां बिल्कुल ठीक है, चलिए नेहा यादव ठीक है आलोक जी, आपकी बात आ गई, आपने कहा कि संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण छीन लिया जाएगा, इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने भ्रम फैलाया जबकि ऐसा कुछ नहीं है देश में। नेहा जी, केंद्र स्तर पर क्या कोई ऐसा फैसला हुआ है जिसे आप लोग बार बार जनता के बीच देखिए इनकी देखिए इनकी पहले तो इन्होंने जो शायद
के माध्यम से दो लाइनें कही थी, पहले तो उसमें मैं इनको जवाब दे देती हूँ कि आत्मा जो अपनी बुलंदी पे इतराता है भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। जो इन्हें घमंड और गुरूर हो गया था कि हम जिन ऊंचाइयों पे हैं हमें जनता गिराएगी नहीं, आज जनता ने इन्हें औंधे मुंह गिराया है। और सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि जनता का जनादेश ये आज भी मानने को तैयार नहीं है। और इनके इनके जो शब्द हैं, बताइए आदरणीय अवधेश प्रसाद जी के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो दलित समाज से आते हैं इसलिए जीत के। अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है, जानकारी इकट्ठी करके आना चाहिए। 9 बार के विधायक रहे। इस बीच कुछ तस्वीरें चल रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं और ये पीएम का पूरा फ्लीट है। राष्ट्रपति भवन पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और कहा जा रहा है कि आज वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं राष्ट्रपति को और 8 तारीख को बतौर पीएम वो फिर शपथ ले सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेहा जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी अपने पिछले कार्यकाल का, और ये लाइव तस्वीर आ रही है। आप देखिए राष्ट्रपति भवन पहुंचा है प्रधानमंत्री मोदी का काफिला, राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं पीएम मोदी और उसके बाद चर्चा है कि वो अपने पिछले कार्यकाल का इस्तीफा सौंपेंगे और फिर शपथ तक कार्यवाहक बने रहेंगे। 8 तारीख को शपथ ग्रहण होगा और तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ तक कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे मोदी। नेहा जी, मैंने आपको इंटरप्ट किया था, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है नेहा जी? प्लीज कि आप सभी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बात पूरी कीजिए। देखिए जी, देखिए आस्था जी, आज बड़ी खुशी का दिन है कि इस देश की जनता को नाले के पानी से गैस बनाने वाले प्रधानमंत्री से निजात मिल गई। आप सबको, जनता को बहुत नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री दूसरी बात, अभी जो बात नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं, मतलब एनडीए के पास तो बहुमत। अरे नहीं, ये आपके शब्द है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन जनादेश नहीं है। नहीं, इच्छा नहीं है। ये बनती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता ने नकार दिया। जनता जानती है कि जनता पक्ष का गठबंधन कौन सा है, आपका गठबंधन कौन सा है। अब उसने उसने ये तय किया है कि एनडीए सरकार चलाएगी, लेकिन एक तरफी मेजोरिटी उसने किसी किसी एक दल को नहीं दी है। इंडिया आएगी, मैं भी इसी चैनल पे बैठूंगी, आपके साथ बैठूंगी, हम लोग मिलकर के लड्डू खाएंगे, आपको मैं मिठाई खिलाऊंगी, इंडिया सरकार बनाएगी, आप बस सब्र करिए। अभी मैं बात कर रही थी, आपके अयोध्या की बात चल रही थी, मैं उसे पूरा कर रही थी। अभी इन्होंने आरक्षण और संविधान की बात की, इनके प्रत्याशी खुलेआम कहते घूम रहे थे कि मोदी जी को 400 पार चाहिए, 400 पार चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि वो संविधान बदल जाएगा, उससे हम संविधान बदल सकेंगे। तो जनता ने उस संविधान वाले उनके बयान को और संविधान को खत्म करने की इच्छा को दिया था बयान। दूसरा जी जी, और दूसरा आरक्षण के, आरक्षण पे भी लगातार विरोधाभासी बयान देते रहे। इवन आरक्षण पे तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सामने है जनता के। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 अभ्यर्थियों के आरक्षण का घोटाला हुआ ओबीसी वर्ग के, आज तक उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हुआ। और बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग चैनलों पे बैठ करके अनशंट बोलते हैं कि हमारी सरकार में आरक्षण सुरक्षित है, आरक्षण सुरक्षित है। इनसे पूछिए, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को न्याय कब मिलेगा? उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, न्याय क्यों नहीं देते? जितनी भी वैकेंसी, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज में वैकेंसीज आई, उन सब में ओबीसी एससी के अभ्यर्थी को एनएफएल दिखाया गया। ठीक है, चलिए। तो अब जनता ने आपको एम्पावर किया है कि आप सही फोरम्स पर उसकी आवाज उठाइए और जो भी आपके मुद्दे हैं उनको आप और मजबूती से उठाएं, इसीलिए अब जनता ने आपको उतना एम्पावर किया है। इस बीच हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। पवन, एक तरफ हम तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी, यहां से आगे अब किस तरह की संवैधानिक प्रक्रियाएं देखी जाएंगी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात कर राष्ट्रपति भवन से वापस बाहर निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति भवन में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पहुंचे थे और पहुंचकर उन्होंने अपने कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश की, वहीं अपने उसके साथ साथ अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को सौंप दिया है। चूंकि एक प्रॉपर एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद में जैसे कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 8 जून को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। उससे पहले आज शाम को 4 बजे एनडीए नेताओं की जो घटक दल है उनके नेताओं की बैठक है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अभी एनडीए के नेता जो है वो शामिल होंगे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का एक सर्वसम्मति से एक नेता चुना जाएगा। उसके बाद में देर शाम हो सकता है
कि एनडीए के जो तमाम नेता हैं प्रधानमंत्री के साथ जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करें और अपना जो समर्थन पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपे। उसके बाद में 7 जून को जो एनडीए के तमाम सांसद हैं उनकी एक बैठक रखी गई है। उस बैठक में तमाम जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उस बैठक में शामिल होंगे और उसमें सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार नेता के तौर पर चुना जाएगा और उसके बाद में जो है 8 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, तो बड़ी अपडेट आपने ये दी कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर अपने पूर्व कार्यकाल का इस्तीफा सौंप दिया है। अभी वो कार्यवाहक बने रहेंगे और 8 जून को वो बतौर प्रधानमंत्री शपथ ले सकते हैं। इस बीच खबरें ये भी थी कि एनडीए के भी जो दल है उनके प्रमुख आज राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, अपना समर्थन पत्र सौंप सकते हैं सरकार के लिए राष्ट्रपति को। उससे संबंधित कोई अपडेट? आज बैठकों का दौर विपक्षी गठबंधन में भी है और सत्तारूढ़ दल के गठबंधन में भी है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि पहले शाम को 4 बजे जो है वो एनडीए के गठबंधन के सहयोगियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक है। उस बैठक में तमाम तरह की बातें होंगी, चर्चाएं होंगी किस तरह से उसके बाद में उस बैठक में प्रधानमंत्री को एनडीए का नेता चुना जाएगा और उसके बाद में देर शाम संभावित है कि प्रधानमंत्री के साथ में चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो या अन्य जो एनडीए के सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात करें और राष्ट्रपति को जाकर अपना समर्थन पत्र बीजेपी के और प्रधानमंत्री के नाम का समर्थन पत्र सौंपें कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता स्वीकार करते हैं। तो उसके बाद में फिर सरकार के जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस नई सरकार के गठन की, वो शुरू हो जाती है क्योंकि पहले आपको समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपना होता है और उसके बाद में फिर राष्ट्रपति आपको आमंत्रित करते हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। तो उसके बाद में पूरी प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। तो आज संभवतः जो एनडीए के जो घटक दलों के जो बड़े नेता हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात करके अपना समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। बिल्कुल, और सबकी निगाह होगी कि क्या टीडीपी और जेडीयू भी उसमें शामिल होती है, क्योंकि आज सुबह कुछ तस्वीरें आई थी पवन कि एक ही फ्लाइट में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी आए और तेजस्वी यादव अपनी सीट से उठकर नीतीश कुमार के बगल में भी बैठे, उनसे उनका हालचाल जाना और दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली आई। ये तस्वीर भी काफी चर्चा का विषय रही और नीतीश बाबू को लेकर भी कल से ही ये कहा जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने अपने सहयोगियों को बदला है, ये गठबंधन के बाद वो गठबंधन, तो कहीं ना कहीं वो फिर पलटी ना मार जाएं, तो ये एक बड़ी चुनौती भी भाजपा के सामने है। देखिए, जाहिर तौर पर हालांकि जिस तरह से जब नीतीश कुमार ने पहले जब पटना से निकले तो उन्होंने कहा कि मैं हम एनडीए के साथ हैं, बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद में आज जो संजय झा हैं जेडीयू के जो सांसद हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी फिर से जेडीयू और बीजेपी को एक साथ लाने में। तो उनका बयान अब से थोड़ी देर पहले आया, उन्होंने साफ कर दिया कि हम एनडीए के साथ हैं, हमारे जो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के, वो फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी कि जेडीयू की तरफ से भी स्थिति एकदम स्पष्ट है। कल लगातार ट्वीट भी आया, चिराग पासवान का खुद का ट्वीट आया, एलजेपी रामविलास के वो अध्यक्ष हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके द्वारा पहले से ही स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जैसे कि आपने देखा कल जब परिणाम आने लगे थे तो बीजेपी के बड़े नेता लगातार एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बातचीत में जुट गए। गृहमंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, तमाम चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जीतन राम मांझी हो, इन सबसे फोन पर बात लगातार कर रहे थे और उनको कहीं ना कहीं एक कोशिश ये थी दिखाने की, एक परसेप्शन बनाने की कि एनडीए के जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं वो सब एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं, सब एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई सरकार बनाने में कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो यही जो है लगातार प्रक्रिया दिखाई जा रही है, उसी के चलते आज जो है एनडीए घटक दलों की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री के साथ ये बैठक होगी, फिर से एक दूसरा मैसेज देने की कोशिश होगी। उसके बाद 7 जून को जो है जो एनडीए के सांसद हैं सभी वो उस बैठक में शामिल रहेंगे, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक पूरी कोशिश यही है कि एनडीए के सभी दल एक साथ दिखें, एकजुट दिखें, कहीं भी उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो लगातार कोशिश बीजेपी के द्वारा यही की जा रही है कि एनडीए के अब जो सभी दल हैं वो एक साथ दिखने चाहिए और जैसी की खबर आ रही है कि 8 जून को प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शुक्रिया पवन, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और रुक करते हैं अपने पैनल का, सुधा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा जी, ये तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर, अपने पूर्व कार्यकाल का जो है वो इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी ने सौंप दिया है राष्ट्रपति को, उन्होंने इस्तीफा मंजूर कर लिया, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वो पहुंचे थे और अब एनडीए के जो घटक दल हैं उनके प्रमुख भी राष्ट्रपति से मिलेंगे और समर्थन पत्र सौंपेंगे। मान के चल रही एनडीए और उनका आंकड़ा भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि सरकार वही बना रहे हैं, प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सुधा जी। जी आस्था जी, ये लोग तो मान के 400 पार चल रहे थे लेकिन क्या हुआ, उसकी हवा निकल गई ना, वो गुब्बारा ही कब पुस्त हो गया पता ही नहीं चला। तो मान के चलना सूत्रों के हवाले से खबरों का होना ये तो अलग ही बात है। जहां तक इस्तीफा सौंपने की बात है, अगर आप अयोध्या छोड़ दीजिए, बनारस पे आते हैं, अयोध्या में तो अभी यूपी की बात, अभी हमारे दिनेश भाई बोल रहे थे इसके पहले डिबेट में लोग बोलते थे कि दिल्ली तक का रास्ता यूपी से जाता है लेकिन आज नहीं जाता है,
मतलब कैसे कोई दो तरह की बातें कर सकता है, हमें इन लोगों से सीखनी चाहिए। अभी तक इनकी भाजपा की स्थिति उत्तर प्रदेश में ठीक थी तो ये लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश ही रास्ता बनाता है दिल्ली का, अब हम यहाँ मजबूत है तो कह रहे नहीं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बनारस की बात कर लेती हूँ, बनारस में 3 बार से मोदी जी जीत रहे हैं। जीत का अंतर अगर मैं बताऊं आपको तो हमारे अगर मैं 2019 की बात करूं तो अजय जी को 1 लाख कुछ वोट मिले थे, इस बार जानती है कितना वोट मिला है, 4,75,000 से ज्यादा। अब मार्जिन की बात कर लेते हैं, इस्तीफा तो उनको कल काशी वालों से सॉरी बोल के ले लेना चाहिए था, दे देना चाहिए था कि मेरी नैतिक हार है, नैतिक हार की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं कल बोलते, लेकिन नहीं बोला उन्होंने। जब बोलना शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने तो क्या बोला, जय जगन्नाथ। मतलब जो ईश्वर के इन रूपों को बार बार बदल सकते हैं वो कितने रूप बदलते होंगे भगवान ही जाने। जहां तक जय श्री राम से नारा शुरू होके बनारस के लोगों की बात आती थी, अब वहां पे उन्होंने धन्यवाद तो छोड़ दीजिए, नाम ही बदल दिया है। तो ऐसे सच्चाई को आलोक वर्मा जी कह रहे थे कि जनता तक झूठ पहुंचा दिया, अरे जनता तक झूठ हमने नहीं, आप लोगों ने उस सच को पहुंचाया जो असल में सच्चाई थी। 400 पार का नारा आपने दिया, संविधान बदलने की बात आपने की, हमने तो सिर्फ सच्चाई बताई जनता को और जनता ने समझा उस बात को, और बहुत जरूरी था। आस्था जी अगर ये सच्चे होते और अगर सच में धर्म, अभी दिनेश भाई ने कहा कि धर्म के बिना राजनीति नहीं होती है, राजनीति में धर्म होता है, आप लोगों ने धर्म की राजनीति की और धर्म को बदनाम करने का कार्य किया था। जनता ने बता दिया आपको कि ईश्वर को आप नहीं लाते हो, ईश्वरीय शक्ति होती है जो हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है। आप लोगों ने धर्म के मायने चेंज कर दिए थे, आप लोगों ने जय सियाराम से जय श्रीराम कर दिया था, तो हनुमान जी ने वही जय सियाराम फिर से कल बोला है। जाहिर सी बात है आप ऐसी बातें करो तो आपको लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको उत्तर देने में कोई सही बात कह दे तो आप कहेंगे कि झूठ। जनता को आप लोग क्या समझते हैं, जनता इतनी ना समझ है, जनता आपसे अधिक समझदार है, जो जानती है उसका हित कहाँ छुपा हुआ है। और जो अंतर है बनारस का कितने 10% से ज्यादा में अंतर हुआ है, इसमें तो भाजपा वालों को नैतिक रूप से हार माननी चाहिए कि यूपी के वेस पे जो ये बातें करते थे जनता ने इनको नकारा है। हम कितना पाए इससे फर्क नहीं पड़ता, ये कितना हारे हैं इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि झूठ का जो असली तमगा था वो छूट गया है, जो लेप किया था, जो मुलम। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस बीच सियासी हलचल तेज है और हमें अपडेट्स मिल रही हैं। जयंत चौधरी ने भी बयान दिया है और कहा है कि नीतीश जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो एनडीए के साथी हैं, अनुभवी